जरूर दिखाते हैं, चले आए। सर में दर्द शुरू हो गया तो इसीलिए जो है ना अभी हम चाय पीने लगे हैं। मजीद मुझे सपोर्ट करें तो अब मैं चाय बना के आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेर खुशियाँ दे। तो प्लीज़ सबके लिए दुआ किया करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी नेक दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आप सब ने देखा ही होगा कल वाला व्लॉग, मेरी फ्रेंड है उसका भी यूट्यूब चैनल है और उसके चैनल का नाम है सना व्लॉग। तो अभी मैं उसके घर आई हूँ क्योंकि उसने मुझे बुलाया था और मेरी दावत की है और मुझे बुलाया है कि आप आओ मेरे घर आओ। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम उसके घर आई हूँ, तो ये रहा उनका घर। तो चलो आओ चलते हैं और आप सबको उनके घर का विजिट भी कराते हैं और उनके साथ मिलाते भी हैं। तो हाँ जी, ये रहा सना का घर और ये देखें जामन भी लगाए हुए हैं सना ने, एक पौधा जाम। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर है और ये दो कमरे हैं और साथ में वो किचन है। तो चलो आप सबको दिखाते हैं, पहले सना के घर के विजिट कराते हैं उसके बाद फिर सना से मिलाते हैं। उसको तो ना ही दिखाओ। वो अभी तैयार होने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज रोजीना आई है मेरे घर पे तो मैं बहुत खुश हूँ। आज का व्लॉग हमारा बड़ा मजेदार होने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये कमरा तो अभी तैयार होने वाला है लेकिन दूसरा कमरा आपको जरूर दिखाते हैं। चले आए, इसके बच्चे भी बैठे हुए हैं। बेटी तो इसकी सो गई है, रास्ते में सो गई थी तो मैंने इसको कहा कि बेड पर डाल दो। तो बाकी इनके लिए फ्रूट वगैरह काट रही हूँ मैं। तो अभी जो ना देखे फ्रूट मैं, ये देखे हमारे लिए करना, इतनी मेहनत करी फ्रूट वगैरह काट रही थी। अभी फिलहाल वहां से चाय भी बना आई थी और अभी मेरे पास आकर बैठ गए। फ्रूट कौन काटेगा? चलो कोई बात नहीं, मैं काटती हूँ गाइस। और जना अभी मैं चाय भी बनाने लगी हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा सर भी दुख रहा है तो चाय भी बनाने लगी। हाँ जी, दिखा दो मेरा रूम भी दिखा दो। ये देखे ये सना का रूम है। सना यार लाइट तो जला दो। हाँ लाइट जलाती हूँ। सना तो लाइट इसलिए नहीं जला ली क्योंकि इतनी महंगाई है ना। बिल ज्यादा है। बिल इतने ज्यादा आते हैं इसलिए कहते हैं ना बचत करनी चाहिए। इसलिए बस ऐसी कोई बात नहीं, जानबूझ के मुझे बदनाम कर। सना आपने ड्रेस कैसे यहाँ पर लमका है? व्यूअर्स ये मुझे पसंद नहीं है, मैं दे रही हूँ जिसको चाहिए आके ले लो। ये देख ले इसके काम चेक करें। तो अभी सना ये देखो केले भी ले आई है और आपको खाने सेब भी। अभी केले भी आप काट कर दोगी? मैं नहीं, नहीं, केले तो मैं ऐसे रख रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही खा लेना। ठीक। तो अभी मैंने ना आपको सना का जो किचन है वो भी दिखाना है। हाँ, तो आप सत्यानाश हुआ पड़ा उसका। क्या हुआ उसको? सत्यानाश हुआ पड़ा, बिखरा पड़ा मेरा किचन। अब तो जब चाय पियेंगे तब भी सुकून आएगा। आपसे मिलते हैं चाय पीते हुए। देखो कितनी मेहनत करी सेब वगैरह खिला रही है। अच्छी हो। मैं कह रही हूँ ये मुझे सेब खिला कर ना इतना मोटा कर देगी ना बाबा। मैं नहीं, सेब खाओ अच्छा होता है सेहत के लिए ना, क्योंकि मतलब वजन नहीं बढ़ता इसके साथ, लेकिन ये है कि इसके साथ मतलब हम लोगों को एनर्जी मिलती है जी। ये तो है। तो ये देखे मेरे लिए इतना इसने इंतजाम किया। तो आप सबने ना इसके चैनल पे जरूर विजिट करना है। इसके चैनल का नाम है सना व्लॉग। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती है और मजीद इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर और मजीद अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो आप सबने इसके चैनल पे विजिट भी जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और हम सब ने मिलकर इसकी हेल्प भी करनी है, सपोर्ट भी करनी है क्योंकि इसको सपोर्ट की मजीद जरूरत भी है। आप सबको पता है कि इंसान चैनल बना लेना तो सब रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ती है। इसने अपने अब्बू और अब्बी को बहुत मुश्किल से मनाया चैनल बनाने के लिए। तो शुक्र है अभी तो वो मान गए, लेकिन अभी चैनल मजीद इसका अच्छा ग्रो हो ना इंशाल्लाह, इसे अल्लाह कामयाबी दे तो फिर वो भी खुश होंगे। और जो बातें करते हैं ना उनका तो खैर, उनका तो मुंह तोड़ देंगे हम लोग जी, उनका तो फिर खुद ही मुंह तोड़ने वाली बात नहीं यार, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना है कि जब जवाब उनको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो जवाब मिलना है आप लोगों की सपोर्ट से। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे व्लॉग्स देखा करें। मुझे उम्मीद है यार आप लोगों को पसंद आएंगे, मुझे पक्का इंशाल्लाह लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो मेरे मजीद मुझे सपोर्ट करें तो अब मैं चाय बना के आ रही हूँ। अभी सना साहब जा रही है चाय बनाने तो मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ। चलो भतीजा मेरे पास है, खाओ ना। चलो जी खाओ।
खदीजा और मैं बैठी यहाँ पर सेब खा रही है। और अभी सोनम गई है हमारे लिए चाय बनाने, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया है आए हुए। तो हम सना ने हमारे लिए खाना भी बनाया था, वो भी हमने खाया। तो अभी हम बाहर गए थे थोड़ी घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप सबको सना के घर का टूर भी करा दूं, क्योंकि सना ने ना बहुत ही मुश्किल से चैनल बनाया है। बहुत ही आप सबको पता है कि बहुत ही मुश्किलात होती है चैनल बनाने में, क्योंकि सब रिश्तेदार वगैरह घर फैमिली वाले भी नहीं इजाज़त देते। इसलिए सना ने बहुत ही मुश्किल से फैमिली को बनाया चैनल बनाने के लिए। तो आप सब ने ना सना को ज़रूर सपोर्ट करना है। तो अभी फिलहाल वो हमें सेब देकर चली गई है, वो खुद चाय बनाने गई है। तो फिर चाय पिएगी तो वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर आप सब ने भी खा लें एप्पल तो हमारे पास आ जाए और खा ले, चाय पीनी है तो आप हमें बता दें, आप भी आकर पी सकते हैं। अभी ये देखे सना जो है ना कप धो रही है क्योंकि चाय बनानी है इसने हमारे लिए, इसलिए अभी ये ना अभी इसने चाय बनानी है। कप धो के नहीं रखती हो? धो के रखती हूँ, लेकिन मैं दोबारा धोती हूँ क्योंकि अंदर चिपलियाँ वगैरह होती है ना किचन में, तो भाई डर लगता है इसीलिए। सही, ये तो बात है, ये सही रहता, अपनी तैयार अच्छी होती है यार। आज हम लोगों ने इतने सारे व्लॉग बनाए हैं, मतलब मैंने बनाए हैं, और रोजीना को बहुत बहुत थैंक यू है कि यार वो आई और मेरे साथ मेरे व्लॉग में मेरी मदद की। तो आज हमने वो बनाया तो बनाते बनाते इतना थक गया, हमारे सर में दर्द शुरू हो गया, तो इसीलिए जो है ना अभी हम चाय पीने लगे हैं। और आप लोगों ने पीनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लोगों के लिए भी बनाऊंगी चाय। वैसे मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा कितनी अच्छी बनाती है। तो ये देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ और सना जो है ना वो बैठी है हमारे लिए चाय बनाने। दूध नहीं मिला इसलिए हम लोगों को आज एवरीडे से चाय पीनी मतलब पड़ रही है यार। एवरीडे की चाय वैसे अच्छी होती है, मुझे पसंद है, मजेदार बनती है, लेकिन वो दूसरे खुले दूध की चाय तो फिर अपना ही मजा है। असल में चाय आपने नीचे चूल्हा रखा हुआ है? हाँ, मैं नीचे रखा हुआ, मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता गाइस, इसीलिए मैं नीचे शिफ्ट करके रखती हूँ। मैं अपने व्लॉग्स में भी नीचे बैठ के ना मतलब कोई भी पीढ़ी वगैरह रख के उस पर बैठ के खाना वगैरह बना लेती हूँ, ऊपर वही मुझे मुश्किल होती है। सही, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसे किचन मेरा बाकी तैयार करने वाला, अभी आप देख रहे हैं कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। देखे ये रसना का किचन अभी मजीद और तैयार होने वाला है, ये देखिए। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम तैयार कर ही लेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अभी सना जो है वो चाय बना ले, उतनी देर मैं जाने लगी हूँ दूसरे कमरे में और थोड़ी देर आराम करती हूँ। हाँ, थोड़ा रेस्ट कर लो, थक गए तो फिर चाय पीते हैं और तो फिर आज सबसे मिलते हैं। हाँ जी जी व्यूअर्स, तो देखे रोजीना जाने लगी है घर, मुझे बोल के जा रही है अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह कल मिलूंगी इनके साथ ही न्यू व्लॉग में, क्योंकि अभी टाइम भी काफी हो गया। चलो आओ चले, थोड़ी है मैं रात तक छोड़ने जा रही हूँ, आजा छोड़ी, देरा भी काफी हो गया। आजा मैं उठाती हूं, तो अभी मैं घर जाने लगी, आपको दिखाती हूँ काफी रात हो गई। ये देखें अंधेरा भी बहुत हो गया है, काफी टाइम हो गया, तो अभी हम घर जाने लगे हैं। अच्छा मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।